हावड़ा मालदा इंटरसिटी जो है डेली चलती है, इसका एक नया स्टॉपेज हम लोगों ने मनीग्राम में दिया है। एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज 6 महीने के लिए दिया है। अगर पेट्रोनाइज होगा, यहाँ से टिकट अगर कटेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज इसको 6 महीने बाद स्टॉपेज विड्रो कर लिया जाएगा। हाँ, अप डाउन दोनों के लिए दिया हुआ है। वहाँ लोकल पैसेंजर्स का कुछ डिमांड था, वहाँ से सीमेंट फैक्ट्री भी है पास में, वहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस है कि इस गाड़ी का स्टॉपेज देने के बाद पैसेंजर्स मिलेंगे, वहाँ से लोगों को सुविधा भी होगी, रेलवे का अर्निंग्स भी बढ़ेगी। इन सारे व्यू से उसको एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज अभी दिया गया है। और भी ट्रेन चल रही थी कोविड-19 के पहले, तो उसमें मैक्सिमम गाड़ी चल चुकी है। जो गाड़ियाँ छूटी हुई है, अभी नहीं चल रही हैं, हम लोगों ने डिवीज़न से प्रपोजल डाला है वो सारी गाड़ियाँ फिर से चालू कर दिया जाए। कौन कौन गाड़ी? इसमें कुछ गाड़ियाँ हैं जो हमारे डिवीजन्स में है, भागलपुर से चलती थी आजिमगंज के लिए, उसको डाला है। टोटल 20 गाड़ियों का लिस्ट है हमारे पास, 20 गाड़ी हम लोगों ने भेजा है। तो अभी आया है चेन्नई? नहीं, अभी हम लोगों ने जस्ट भेजा है। कहाँ पर भेजा? हेडक्वार्टर भेजा है, वहाँ से उसकी एग्जामिनेशन होगी, देन फिर उसका ये दोबारा परिचालन शुरू हो जाएगा। आज तक बांग्ला जानुन सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांग्ला, बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना।